गाइस आज की वीडियो में मैं आपको आई मोबाइल पे यूपीआई एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशंस के बारे में गाइस हम ये देखेंगे कि इस एप्लीकेशन से हम इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। गाइस ये एप्लीकेशंस गाइस आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से है, उसी बैंक को गाइस ये मैनेज करती है। अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो, अगर अकाउंट नहीं है तब भी आप इस एप्लीकेशन को यूपीआई की तरह यूज कर सकते हो। अगर देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक आई मोबाइल पे एप्लीकेशन से गाइस ये अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसमें लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा है। अगर मैं लॉगिन करना चाहूँ तो यहाँ से गाइस मैं इजीली कर सकता हूँ। उसके साथ में आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से लिंक कर सकते हो, और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को ओपन करना चाहते हो इस बैंक में तो आप यहां से ओपन कर सकते हो। गाइस ये इंस्टा सेव है, अपना जो अकाउंट है वो यहां से ओपन हो जाता है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिलती है यहां पर, जिसे गाइस यहां पर इंस्टा बैंकिंग और लोकल ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, उसके साथ में डिपॉजिट रेट्स और यहां पर कैलकुलेटर और ब्लॉक्स और यहां पर जो है गाइस सेफ्टी टिप्स आपको मिल जाती है। तो ये सारी डिटेल्स है गाइस। नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है, जैसे कि कॉलर्स वाला ऑप्शन से कस्टमर केयर वगैरह का आप इनकी ब्रांच वगैरह को लोकेट कर पाओगे, और जो आई प्ले है गाइस मतलब डेमो वीडियो आप यहां से देख सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो गाइस। लेकिन अभी आपको करना क्या है कि आपको गाइस यहां पर एक ऑप्शन मिलता है लोकल ऑफर्स, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो गाइस। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, लॉगिन भी नहीं कर रखा है गाइस, तो मैं लोकल ऑफर्स पर क्लिक करूंगा। अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। लोकल ऑफर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से पेज गाइस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको गाइस कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहो तो यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन से अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर गाइस आप पर्सनल लॉगिन कर सकते हो, न्यू यूज़र हो जो भी आप हो वो आप कर सकते हो। अगर आप NRI बैंकिंग में हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल गाइस मैं आपको कुछ भी लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा, हम डायरेक्टली यहाँ से लोन के लिए देखेंगे गाइस। तो अभी आपको यहाँ पर जो गाइस साइड में 3 लाइन देखने को मिल रही होगी, तो आपको सिंपली इन 3 लाइन्स पर ही क्लिक करना है। 3 लाइन्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे गाइस अकाउंट्स, डिपॉजिट, पेमेंट, अगर कार्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो कार्ड पर क्लिक कीजिए, और जैसे कि गाइस हमें लोन्स के लिए चाहिए तो लोन्स वाला सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, शॉप, सोशल सर्विस और नॉलेज हब, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो हमें सिर्फ गाइस लोन्स वाले सेक्शन से मतलब है, फिलहाल हम उसी को देखने वाले हैं। तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है गाइस। उसके बाद में अगर आप देखोगे गाइस तो आपको काफ़ी सारे लोन देखने को मिल जाते हैं। उसमें यहां पर बता रखा है गाइस कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले पाओगे, और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, उसके साथ में एग्री एंड रूरल लोन भी आप यहां से ले सकते हो, और स्मार्ट लोन भी है गाइस, मतलब काफ़ी तरह के लोन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें गाइस आप जो भी लोन लेना चाहो आपको उस पर क्लिक करना है। हो सकता है गाइस इनकी प्रोसेस जो है अलग अलग हो, तो मैं फिलहाल यहां पर पर्सनल लोन पर क्लिक करूंगा, और फिलहाल गाइस हम यहां पर पर्सनल लोन को अप्लाई करके देखने वाले हैं। मतलब आगे की प्रोसेस आप जो भी लोन लेना चाहो वो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक किया और यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, कुछ टाइम में वेट करूंगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट डिटेल्स बताता हूँ गाइस। अगर पर्सनल लोन में देखोगे गाइस तो यहाँ पर आपको सिक्योर पर्सनल लोन 50 लाख तक का मिल सकता है गाइस। आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं देने हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ 12 EMIs। यहाँ पर बता रखा है गाइस कि अगर आप 12 EMI को पे कर देते हो उसके बाद में आपसे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिया जाएगा, और इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हो। और आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे गाइस इसमें, और कोई भी कोलेटरल आपको रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और फिक्सड इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अवेल नाउ पर क्लिक करना है। फिलहाल आप और नीचे आके इसमें आपकी लोन की EMI को कैलकुलेट कर सकते हो। लोन अमाउंट आप देख सकते हो गाइस मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अमाउंट है गाइस। उसके बाद में टेन्योर भी मिनिमम 12 मंथ टेन्योर है और मैक्सिमम इसका 72 मंथ है गाइस। और इंटरेस्ट रेट इसमें मैक्सिमम जो लग सकता है वो 16% है गाइस, और जो कम से कम इंटरेस्ट रेट है वो 10.65% का रहेगा गाइस। तो इसे आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी अगर आपको लोन चाहिए गाइस अगर देखोगे तो अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन इन 5 स्टेप्स, मतलब 5 स्टेप में आपको लोन मिल जाता है, और वो स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है गाइस। आपको लोन अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करना है, आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, पर्सनल डिटेल्स और वर्क डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, आपका लोन अमाउंट रिव्यू होगा और अमाउंट रिव्यू होगा, टेन्योर रिव्यू होगा, उसके बाद में लोन अमाउंट की एप्लीकेशन को आपको कंफर्म करना है, और जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। बस इतनी प्रोसेस है गाइस। अभी अगर नीचे देखोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे और फ्यूचर मिल जाएंगे गाइस आपको लोन अमाउंट के। आपको 0 फोरक्लोजर देने होंगे इफ 12 EMIs आर पेड, अगर 12 EMI पे कर दोगे तो।
और इसके बारे में आप काफी सारी डिटेल्स देख लीजिए। फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिलेगा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये सभी के बारे में बता रखा है, और कोई भी कोलेटरल रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है गाइस। सिक्योर ए पर्सनल लोन विदाउट द नीड ए प्लेज कोलेटरल, उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल्स है तो वो आप देख लीजिए। अगर देखोगे तो मल्टीपर्पज पर्सनल लोन फ्रॉम ICICI बैंक, लोन्स फॉर मेडिकल इमरजेंसी, और यहाँ पर आप देख सकते हो लोन्स फॉर मैरिज एक्सपेंसेस, उसके साथ में और भी यहाँ पर डिटेल्स है गाइस, इसे आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अगर पर्सनल लोन और इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखना चाहते हो एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आपको यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइस। इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लिया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस आप देख लीजिए 2.5% से लेके, तो गाइस वो लोन अमाउंट पर डिपेंड करेगी, और एप्लीकेबल टैक्सेस जो है अलग से रहेंगे। टेन्योर के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आप देख लीजिए गाइस। सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी लास्ट 3 मंथ की, और लेटेस्ट 3 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा गाइस। उसके साथ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कुछ भी आप एक दे सकते हो गाइस। और इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में बता दिया है। पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए गाइस, ये भी जरूरी है गाइस। अगर ये चीजें आपके पास होंगी तो आप इजीली लोन अमाउंट ले पाओगे। जैसे गाइस यहाँ से आपसे इनकम प्रूफ भी लिया जा रहा है, जैसे कि सैलरी स्लिप और आपका बैंक स्टेटमेंट, तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर देखोगे तो अप्लाई पर्सनल लोन यू मस्ट बी, आपकी जो एज है वो 20 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, और आप सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, हैविंग ए रेगुलर मंथली इनकम, और आपकी रेगुलर मंथली इनकम होनी चाहिए गाइस। और इस लोन को लेने के लिए आपकी जो सिविल स्कोर है वो भी बढ़िया होने चाहिए गाइस। और गाइस आपका जो सेविंग अकाउंट है वो भी होना चाहिए, और वो कोई भी बैंक में हो गाइस उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो सेविंग अकाउंट है वो होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो आप इसे इजीली पढ़ सकते हो, इनकी आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लीजिए। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो बस इसी के बारे में ये कुछ डिटेल्स है। अभी हम सिंपली करते क्या है गाइस कि यहाँ से हम एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लोन को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर गाइस अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स जो फिलअप करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अगर अभी देखोगे गाइस तो वेलकम टू ICICI बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। अभी अगर आप देखोगे तो अभी हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं गाइस। आप जो भी लोन अमाउंट अप्लाई करना चाहते हो उसकी प्रोसेस हो सकता है गाइस कुछ डिफरेंट हो। अभी अगर आप देखोगे तो आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है गाइस कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए गाइस। 50,000 से लेके तो मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेन्योर के बारे में भी हम देख ही चुके हैं, आप देख सकते हो मिनिमम 12 मंथ का टेन्योर है और मैक्सिमम 72 मंथ का। जो भी आपको बेटर लगे वो आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है और लोन अमाउंट आपको सिलेक्ट करना है गाइस। उसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे अभी हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा गाइस। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है गाइस यहाँ पर। उसके बाद में आपको अपने जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी कि गाइस आपको अपने पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर फिलअप करने हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। और गाइस अभी आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओगे। अगर देखोगे तो 4 सिंपल स्टेप्स में आपको लोन अप्रूव्ड हो जाएगा जो यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम सिंपली अपने मोबाइल नंबर और अपने जो पैन कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करते हैं गाइस। मोबाइल नंबर जैसे ही प्रोवाइड करते हो गाइस, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, तो OTP को वेरीफाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने आधार कार्ड के नंबर फिलअप करने हैं, और यहाँ पर शो आधार नंबर पर क्लिक करके आप अपने आधार नंबर देख सकते हो गाइस। आप जैसे ही गाइस यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, तो आपके जो है गाइस आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP के द्वारा अकाउंट को वेरीफाई करना है। उसके बाद में प्लीज वेट होगा, अभी आपके सामने नेक्स्ट डिटेल्स आ जाएगी। आपकी कुछ डिटेल्स जो है गाइस कलेक्ट कर ली गई है अपने आधार कार्ड से, तो अभी आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो बताना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करूंगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने गाइस जैसे सिलेक्ट किया थोड़ा मेरे को वेट करना है। और फिलहाल अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर मेरे को थैंक यू बोल दिया है और मेरी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है गाइस। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लोन मिलने के जो चांसेस है गाइस वो बढ़ जाते हैं, और आप इजीली लोन ले पाओगे। फिलहाल मेरे को गाइस यहाँ पर जो है करंटली वी आर नॉट ऑफर बता दिया है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से लोन नहीं ले पाऊंगा। लेकिन गाइस अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप यहाँ से इजीली लोन के लिए ट्राई कीजिए, आपको हो सकता है गाइस मिल भी सकता है। फिलहाल मेरी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो हम गाइस वहाँ से बैक आ चुके हैं। और अभी अगर आप iMobile Pay को यहाँ पर गाइस जो है इसमें एक्टिवेट करना चाहते हो, अकाउंट वगैरह बनाना चाहते हो, तो आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आप जो है गाइस इंडियन हो तो आपको यहाँ पर इंडियन पर रहने देना है, मतलब इंडियन रेसिडेंस अकाउंट आपका है, या फिर आप NRI अकाउंट है आपका। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करूँगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अगर आप देखोगे अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डू यू हैव रेफरल कोड, और यहाँ पर आपको अपनी जो रेफर्ड किया है आपको किसी ने भी, तो उसकी रेफरल ID एंटर करनी है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कीजिए
और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा गाइस, और करंटली गाइस यहाँ पर अनेबल बता दिया है। मैं फिलहाल ओके पर क्लिक करूँगा, दोबारा से अगर कंटिन्यू करूँगा तो कुछ टाइम लोडिंग लिएगा, और गाइस हो सकता है कि अभी फिलहाल कुछ इश्यूज हो। तो गाइस इस तरह से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लोन मिलने के जो चांसेस है गाइस वो बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि आपको इजीली लोन देखने को मिल भी जाए गाइस। तो यहां से आप इंस्टेंट लोन के लिए ट्राई कर सकते हो गाइस, अगर आपको मिल जाता है तो बढ़िया बात है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको इजीली लोन देखने को मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।